वेलकम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। पीबीआर स्टडी फैमिली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रात्रि के 10 बज चुके हैं और आपकी डीएलएड की क्लास शुरू हो चुकी है। तो चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। आज वैसे आपका डीएलएड का पहली क्लास होगी थर्ड सेमेस्टर के लिए। देखिए लाइट बीच में चमक रहा है थोड़ा सा, लेकिन परेशान मत होइएगा। ये जो भी लाइट चमक रही है, बीच में चमक रही है, उस पर कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, आज हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि आपके किताब में, आपके सिलेबस में होगा, अनुपात और समानुपात, ऐसे कुछ है ना। तो सबसे पहले हम अनुपात के बारे में कंफर्म कर लेते हैं एकदम अच्छे से। अनुपात क्या है, कैसे पहचानते हैं और कैसे समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए अनुपात एक व्यवहारिक तौर पर आप सोच लीजिए, दूध और पानी का बहुत बड़ा रिश्ता होता है ना। वही एग्जाम्पल हमने आपके लिए लिखा हुआ है। अगर 1 लीटर पानी को 3 लीटर दूध में मिला दिया जाए तो पानी और दूध का क्या अनुपात होगा, 1:3, ठीक। उसी तरह से अगर 3 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिलाया जाए, 3 लीटर दूध में 1 लीटर पानी, तो पानी और दूध का क्या अनुपात होगा, दूध और पानी का क्या अनुपात होगा, 3:1 का होगा। अब आप समझ गए होंगे, अनुपात को इंग्लिश में बोलते हैं रेशियो, रेशियो बोलते हैं, यानी दो समान राशियों का संबंध यदि यह व्यक्त करता है कि प्रथम राशि दूसरी राशि में कितनी बार सम्मिलित है, ये तो ऐसे संबंध को अनुपात या रेशियो कहा जाता है। समझ गए ना, इसको आप किसी और दूसरे भी एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आप कोई भी दो वस्तु को एक में मिक्सर करते हैं तो उसमें कुछ दूसरी मात्रा होती है, कुछ दूसरी। जैसे आपने देखा होगा सभी लोगों के यहाँ लगभग घर वगैरह बनता है तो मोरंग और सीमेंट बालू वगैरह मिला करके मसाला तैयार किया जाता है ना। तो दीवार पर लगाया जाता है, उसके ऊपर ईंट रखी जाती है, उसमें आप किसी भी मिस्त्री या फिर जो भी लेबर मजदूर लोग काम करते हैं उनसे जाइए, अगर बात करिए, कभी देखिए, तो वो लोग समझते हैं कि इसमें कितने अनुपात में हमने क्या मिलाया हुआ है। मतलब 1 बोरी सीमेंट को 3 बोरी मोरंग और 5 बोरी बालू में मिलाया, ऐसा कुछ होता है ना। यानी मोरंग सीमेंट और बालू में भी अनुपात होता है। वो कहते हैं ना 1:3 का मसाला है, 5:8 का है, ऐसे कहीं मकान बन रहा हो तो उनसे आके आप पूछ सकते हैं। समझ गए ना, तो ये अनुपात का व्यवहारिक उदाहरण और आपके किताब के अनुसार हम लोग अब चलेंगे आगे। अनुपात आप लोग समझ गए होंगे, यानी दो राशि है समान राशि, समान राशि मतलब जो एक दूसरे में मिल सके, घुल सके। जैसे ये नहीं कि मान लेते हैं तेल में पानी मिला दिया तो क्या घुलेगा वो, उसमें कोई अनुपात नहीं हो पाएगा क्योंकि वो एक में मिलेगा नहीं, ठीक ना। मतलब एक में मिलना चाहिए, अनुपात तभी होगा, मतलब समझने लायक, ठीक ना। आगे चले, देखिए ये तो एक एग्जाम्पल हो गया जो कि आपने देख लिया। अब हम लोग आगे चलते हैं, डेफिनेशन लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो मिटा दिया जाएगा। अभी ये रोक करके वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लिया करें, जैसे टॉपिक पूरा हो जाए हम आगे से हट जाएंगे। और हाँ एक बात ध्यान दें, अगर आप प्रतिदिन क्लास करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर JOIN ज्वाइन लिखकर भेजें और टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हुए ऑनलाइन लाइव क्लास ज्वाइन करें। PDF फाइल भी प्राप्त करेंगे, बाल विकास, मनोविज्ञान, पर्यावरण और भी सभी क्लास को पाएंगे। जो स्क्रीन चमक रही है ये समस्या बस थोड़े दिन की है, ये जल्दी ही दूर कर दिया जाएगा। आगे चलें, देखिए कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं देख लेते हैं हम लोग आगे चलने के पहले। जैसे आप लोग जानते हैं कि लड़ाई पर निकलने से पहले सारे बंदोबस्त कर लेने चाहिए, तो उसी तरह से इस चैप्टर का एक प्रकार से मान लीजिए कि आपका लड़ाई ही होने वाला है तो आप लोग पहले इस चैप्टर से संबंधित बारीकियों को जान लें। जैसे अनुपात से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझ लें, इन्हें नोट करके कॉपी में लिख लें, फिर आप सवाल करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आप बिना तैयारी के जुट जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। देखिए अनुपात से संबंधित महत्वपूर्ण बातें, इंपॉर्टेंट, ओके। अनुपात में प्रथम पद को पूर्व पद तथा अंतिम पद को उत्तर पद कहा जाता है। प्रथम और अंतिम पद मतलब देखिए ये जैसे 5:7 है तो इसमें 5 जो है क्या है, प्रथम पद है और 7 क्या है, उत्तर पद है। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं। दूसरा उदाहरण, जैसे A:B है तो A पूर्व पद है और ये क्या है, उत्तर पद है। पूर्व पद बोले या प्रथम पद बोले मतलब एक होगा। दूसरा इसके बारे में क्या इंपॉर्टेंट बात है, अनुपात को हम साधारण भिन्न के रूप में लिख कर हल करते हैं।
जैसे 5:15 अगर कहीं दिया है तो आप इसे 5/15 लिख करके हल कर सकते हैं, यानी कि काट देंगे तो 1/3 आ जाएगा। अगली बात देखिएगा, ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण बातें देखिए और इस क्लास को तुरंत लाइक करिए अभी जल्दी से। अगला महत्वपूर्ण नियम आपके सामने आ चुका है, अनुपातों की तुलना करने के लिए हम उन्हें पहले साधारण भिन्न यानी कि सिंपल फ्रैक्शन के रूप में फॉर्मेट करते हैं यानी लिखते हैं, और फिर जो भिन्न बड़ी होती है वही अनुपात बड़ा माना जाता है। ठीक है, जैसे 5:3 व 7:2 में अगर पूछा जाए कौन बड़ा है तो आप लोग पहले से भिन्न में बदलेंगे। एक बात ध्यान से सुन लें, अगर आप मैथ के अलावा हिंदी अंग्रेजी बाल विकास मनोविज्ञान पर्यावरण वगैरह सब कुछ पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से हमें अकेडमी पर अवश्य फॉलो कर लें, और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए, फेसबुक का पेज लाइक करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, और पीबीआर स्टडी के और भी जो दो यूट्यूब चैनल है उन्हें भी सब्सक्राइब करें, फिर आप सभी क्लास पा सकते हैं। देखिए जो क्लास छोटी होती है उसमें और ज्यादा टॉपिक होता है, ठीक है। आज हो सकता है आपकी क्लास थोड़ी छोटी होगी लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा बातें जल्दी जल्दी में बताई जाएंगी और जो कि समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो समझ गए ना इन दोनों में कौन बड़ा है, पहले इन्हें भिन्न के रूप में बदलेंगे, ये हो जाएगा अंश और ये हर। 5:3 को 5/3 लिख लिए, अब बताओ सभी लोग कि इसमें कौन बड़ा है, 5/3 और 7/2 में कौन बड़ा है। आप लोग खुद ही अनुमान लगा सकते हैं कि अगर 5 टॉफी है या 5 चॉकलेट है, कितना है, 5 है, 3 लोग को देना है और 7 है और 2 लोग को देना है, तो किसमें ज्यादा ज्यादा मिलेगा भाई। इसमें जो है चॉकलेट की संख्या ज्यादा है, इसमें क्या है कम है, नहीं इसमें ज्यादा है, इसमें क्या है कम है। देखिए ये मानते हैं 7 चॉकलेट है, 2 लोग को देना है, इसमें 5 चॉकलेट है और कितने लोग को देना है, 3 लोग को देना है। अब आप खुद ही अनुमान लगा सकते हैं 7 में 2 लोग और 5 में 3 लोग, किसमें ज्यादा ज्यादा मिलेगा, दूसरे में ना, इसका मतलब ये बड़ा है, और जब ये बड़ा है तो इनमें 7:2 ये क्या है बड़ा है। समझ गए ना, अब आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे जानेंगे कौन अनुपात बड़ा है, ठीक है। तो एक सवाल इसी में हम आपको और दे देते हैं, आप लोग जल्दी से बता दें, फट से बता दें, 1:5 और 2:3 इसमें कौन बड़ा है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, या आप लोग क्वेश्चन नंबर लिख ले 5 या कुछ भी लिख ले, जल्दी से बताएंगे, फिर हम लोग आगे चलते हैं, अगला नियम पे चलते हैं। ध्यान दीजिएगा और इस क्लास को पूरा देखिएगा, और लाइक नहीं किया तो भी तुरंत लाइक कर दें। आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं अगला अनुपात से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, अनुपात ए अनुपात बी व बी अनुपात ए दोनों एक दूसरे से अलग अलग है, कभी एक मत मानिएगा। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि भाई 2 बर्तन में दूध रखा हुआ है, मैंने दूध का एग्जांपल बताया क्योंकि बहुत अच्छा सटीक बैठता है ये, तो 2 बर्तन में दूध है जिसमें पहले दूध में जो दूध और पानी का अनुपात है वो कितना है, 4:3 है, ठीक है, और अगले बर्तन में जो दूध और पानी का अनुपात है वो 3:4 है, तो दोनों एक समान नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि इसमें दूध और पानी का अनुपात 4 लीटर दूध है, 3 लीटर पानी है, और इसमें क्या है, 3 लीटर दूध में 4 लीटर पानी है। समझ गए ना, तो दोनों एक कैसे हो सकता है, दोनों एक कभी नहीं हो सकता है। अब आप जान लीजिएगा कि 3 लीटर दूध में 4 लीटर पानी और 4 लीटर दूध में 3 लीटर पानी, ये दोनों एक हो सकता है कभी, मतलब दोनों दूध की क्वालिटी एक हो सकती है, कभी नहीं हो सकती ना। तो बस आप समझ गए होंगे, पहला ये हो गया। पांचवा, 2 विजातीय राशियों के मध्य अनुपात ज्ञात नहीं किया जा सकता, मतलब 2 ऐसी राशियां जिनका कोई संबंध ना हो आपस में, उनके बीच आप तुलना कैसे करेंगे, जैसे एक भिखारी की तुलना एक राजा से करना हो तो आप कैसे करेंगे, नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनमें कोई समानता नहीं है, समझ रहे ना। तो ये बात हुई विजातीय और सजातीय के बारे में, किसी भी अनुपात का तुल्य अनुपात अंश और हर में किसी भी संख्या से गुणा या भाग करके प्राप्त किया जा सकता है, और कैसे, अभी हम आपको उदाहरण से अच्छे से दिखाएंगे। फिर से इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, और हाँ इस क्लास को शेयर कर दीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी से शेयर करें आप लोग 5 लोगों को कम से कम, जिससे कि हर दिन क्लास मिल सके। अगर आप प्रत्येक क्लास को लाइक और शेयर करते हैं तो आप हमारी नजरों में फर्स्ट रहेंगे, 50,000 विद्यार्थियों में प्रथम।
देखिए अब आपके सामने तीन सवाल आ चुके हैं। अब इन तीनों सवालों का जवाब आप लोग बताएंगे। पहला सवाल है 5/2 का तुल्य अनुपात क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर एक है 5/10, दूसरा ऑप्शन देखिएगा आपके सामने है 10/4, तीसरा ऑप्शन है 3/7, चौथा है 1/2। देखिए कैसे जानेंगे, 5/2 में या तो किसी एक संख्या से भाग दीजिए पूरे में, अंश और हर दोनों में, या तो गुणा कीजिए। तो देखिए हमने क्या किया, 5/10, इसका मतलब इसमें इसमें क्या संबंध है, कोई संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 5 था, 5 की जगह 5 ही है, नीचे 2 था, 2 की जगह 10 हो गया, यानी कि नीचे का 5 गुना बढ़ गया हर, लेकिन अंश में कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए कोई अनुपात नहीं है। ये मतलब इसका क्या है, तुल्य अनुपात नहीं है। इसके सही उत्तर की बात करें तो ये बी वाला ऑप्शन है। कैसे? क्योंकि देखिए 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 10 आ जाएगा, और 2 में जब 2 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा, यानी कि अंश और हर दोनों में 2 से गुणा कर दिया गया तो ये आया ना, बाकी इनमें सब में कोई संबंध नहीं। उसी तरह से अगर देखिए 14/12 में इसका सही उत्तर जो है ए वाला होगा। कैसे? ए वाला नहीं होगा, गलत है, बी वाला होगा इसमें भी। कैसे? देखिए 14 तो 14 ही है, 12 की जगह पे 10 हो गया, कोई नियम कानून नहीं लगा, जबरदस्ती लिख दिया गया, गलत है। दूसरा देखिए 7/6, भाई अगर 2 से भाग करेंगे 14 में तो 7 आएगा, और 2 से भाग करेंगे 12 में तो 6 आएगा, यानी कि अंश और हर दोनों में 2 से भाग किया गया, यानी कि तुल्य अनुपात होगा ये, समझ गए ना। और इसमें समय कोई मतलब ही नहीं है। अगला देखिए 45/2, इसमें राइट आंसर ए होगा। कैसे? देखिए अंश में 2 से गुणा किया गया, 45 × 90, हर में भी 2 से गुणा किया गया, 2 × 4, इसमें देखिए 18 आ गया 45 की जगह, कोई रिलेशन नहीं है, 2 की जगह 5 हो गया, कोई संबंध नहीं 2 और 5 में, 90 हो गया 45 की जगह, यानी कि 2 गुना बढ़ गया है ना, 2 गुना बढ़ गया, और ये 4 हो गया 2 की जगह, ये भी 2 गुना बढ़ गया, यानी आपका ये भी ऑप्शन तो सही है ना, सी वाला भी, ए और सी दोनों सही हो जाएगा, समझ गए ना। तो अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप निसंकोच कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग आगे देखते चलें। मित्रों आज के लगभग में टॉपिक के इंपॉर्टेंट जो भी थे वो क्लियर हो चुके हैं, इसके आगे देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके पहले आप लोग जाने से पहले ध्यान देंगे, सबसे पहले क्लास को लाइक करेंगे, उसके बाद नोट करेंगे व्हाट्सएप नंबर, फोन कॉल नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट, और फॉलो करेंगे अनअकैडमी पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। आप हमसे अगर हर तरह से जुड़े रहते हैं तो आपकी गणित की समस्या आज से खत्म, ठीक ना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, मैथ बहुत आसान है। इस क्लास को अपने कम से कम 5 मित्रों में अवश्य शेयर करें, और व्हाट्सएप नंबर पर JOIN ज्वाइन लिखकर भेजें, जिससे कि आपको हर दिन की क्लास मिल सके। प्रत्येक दिन आपसे यही कहना चाहूंगा कि 8 से 10 लाइव क्लास होती है, लेकिन अगर आप क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपको सभी क्लास उपलब्ध होंगी। इसके साथ साथ आप PDF फाइल भी प्राप्त कर सकते हैं। अनअकैडमी पर आप पर्यावरण, बाल विकास, मनोविज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और भी अदर सब्जेक्ट सब कुछ पढ़ पाएंगे। तो आज ही अनअकैडमी पर फॉलो करें, और जो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है हर जगह क्लिक करके उसको दिए गए इंस्ट्रक्शन के अनुसार प्रयोग करें। आज के लिए बस इतना ही, मैं राजकुमार दुबंसी फिर से मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरह से अपना विश्वास बनाए रखिएगा, ठीक है ना। तो अगली क्लास में फिर से मिलते हैं, करें कुछ ऐसा कि लोग करना चाहें आपके जैसा। इन्हीं बातों के साथ जय हिंद, जय भारत।